ॐ विष्णु पदाया कृष्ण प्रेष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी सत देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशिभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। इसने प्रमाण दिया है अभी अपना इस श्लोक का, इस श्लोक का प्रमाण दिया है तुमने। हाँ, इस श्लोक जो जिस बारे में बोला जाता है वही श्लोक का प्रमाण दिया है तुमने। तो इसका तात्पर्य वो अनुवाद एक बार और पढ़ देते हैं ताकि तुम ध्यान से सुन लो। हाँ, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा जड़ता प्रमत्ता और मोह का प्राकट्य होता है। नया एक्सपेरिमेंट मत करो, चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। तो आज हम सब का फेवरेट श्लोक आया है। इतने दिन बाद आप लोग पहले आप सतोगुण वाला आया था कि सतोगुण में वृद्धि होता है तो क्या होता है, तो मैच कराया आपने तो मैच नहीं किया पर्सनालिटी, ठीक है। रजोगुण वाला आया तो थोड़ा थोड़ा मैच करना शुरू किया, तमोगुण में आया पूरा मैच हो गया 100%। जैसे ना फिंगर मैचिंग होती है ना, 100% मैच हो गया। और अब आप नहीं अब बोल रहे होंगे अरे ये कैसे भगवान को पता है मेरे बारे में, तो भगवान ने ही आपको बनाया है ना, तो आपका पूरा लक्षण बता दिया प्रभु ने। लोग इतने मूर्ख हैं जो भगवद गीता को सब पढ़ना पढ़ते नहीं हैं। भगवान ने सारी तरह का सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जीव कैसे क्यों एक्ट करता है, सब कुछ आंसर भगवान ने दे दिया हमें। इससे अलग कुछ है ही नहीं है। ये जो पिछले आज का श्लोक और पिछले दो श्लोकों को जो भगवान ने बताया है यही सब आपको इस संसार में मिलेगा। तो आज का श्लोक जो है, क्योंकि कल हमने देखा कि रजोगुण में वृद्धि होगा तो उसमें हमने देखा था कैसे मोह से मोह प्रवृत्ति, जैसे आज क्या लिखा हुआ है अप्रवृत्ति, कल क्या था प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति वाले लोग भागते रहते, अप्रवृत्ति वाले लोग एक जगह पर रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति, तो कल देखा लोभ प्रवृत्ति आरंभ, तो हमने देखा था उसके अंदर अधर्म करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जब आपके अंदर लोभ आता है तो यू ऑटोमेटिकली बिकम सो यू नो रूथलेस इन परसूट ऑफ यू नो हैप्पीनेस। आप कुछ भी किसी का भी शोषण करने के लिए आप अग्रसर हो जाते हो। तो ये है प्रवृत्ति आरंभ, यू स्टार्ट प्लानिंग एंड यू देन डू एक्शंस कर्मणा अश्मः। और इस तरह से आप देखोगे स्प्रीहा लास्ट बोलते डीप अटैचमेंट, आपको चिंता हो जाती है और आप अटैच हो जाते हो, आप देना नहीं चाहते हो प्रॉपर्टी को, आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश है। तो इस तरह से ये हमने देखा था कल हुआ था। और आज अर्जुन के जो अंदर भगवान प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, तमोगुण में वृद्धि हो जाता है तो प्रभु क्या होता है। तो तमोगुण की तो बात ही अलग है, इसमें साफ साफ भगवान शुरुआत ही करते हैं। जैसे हमने देखा था सर्वद्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाशः उपजायते, क्या सतोगुण में क्या हो रहा था प्रकाश उपजायते, यहाँ अप्रकाशो अप्रकाश अंधकार। हमने आपको बताया था कि सतोगुण में जो है सारे द्वार जो है इंद्रिय के द्वार वो प्रकाशित हो जाते हैं, इसमें उल्टा हो जाता है पूरा अंधकार छा जाता है। ऐसे रजोगुण में तो क्या होता है कभी, मतलब रुको, रजोगुण में क्या होता है कि एटलीस्ट जो है रजोगुण में इंसान जो है काम क्रोध लोभ ये जो घुसपैठिए तो घुस जाते हैं हमारी इंद्रियों के माध्यम से, ये चले जाते हैं। तो इनकी सिटिंग प्लेस होता है हमारा मन, हमारा इंद्रिय, हमारा बुद्धि, तीन सिटिंग प्लेसेस होते हैं लस्ट काम क्रोध लोभ का, यहीं से जनरेट होता है। तो
इंद्रिय विषय तो सिर्फ क्या करते हैं उसको जन वो कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, बाकी है अंदर ही। कि अगर आपके अंदर काम नहीं होगा तो कोई भी संसार की चीज आप हृदय में काम को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो हम सोचते हैं अरे बाहर बाहर वाला सिर्फ उसको वो कर रहा है, अंदर है आपके काम क्रोध, ये हम सब गीता लेसन में पढ़ते भी हैं, काम क्रोध ये हमारे अंदर है भरा हुआ। फिर अर्जुन ने पूछा था प्रश्न, हमने पढ़ा था उस समय कि क्या सिटिंग प्लेसेस कहाँ है, ये रहता कहाँ है, घर कहाँ है, घर बना के शरीर में रखा हुआ है। तो भगवान ने ही उत्तर दिया था, इंद्रिय बुद्धि और मन में रहता है, ये सिटिंग प्लेसेस हैं इन सब के। तो इसीलिए सब हमारे अंदर है। कभी हम बोलते हैं तुम्हें गुस्सा मत दिला, गुस्सा हमारे अंदर है, काम हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, वो क्या गुस्सा दिलाएगा। तो इसी को समझना चाहिए। तो गुस्सा मत दिलाओ, क्रोध ईर्ष्या हम सब के अंदर है, उसके लिए सिर्फ हमें एक माध्यम चाहिए और ये सब तुरंत भड़क के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ये था हमारा रजोगुण का सिस्टम। आज जो बोलते हैं तमोगुण, तमोगुण में क्या अंधकार, दैट मीन्स हमारी इंद्रियां वो क्या है, वो पूरी तरह से अंधकार में है। मतलब जो हमारे जो हमने आपको बताया था, इसको हमने समझाने के लिए आपको बताया था कि गेट है, गेट में अंधकार छा गया है, सोचिए। दैट मीन्स नाउ यू हैव नो आइडिया हु इज एंटरिंग इन टू योर हाउस, कौन घुस गया है आपको कुछ पता नहीं, अंधेरा है ना गेट पे। तो इसलिए ये तमोगुण में तो ऐसे विनाशकारी शत्रु घुस जाते हैं जो काम क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक, अभी अंदर तमोगुण में बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जब आपके अंदर लस्ट आता है तो यू बिकम एक्टिव, प्रवृत्ति आ जाती है और लेकिन जब ये स्थिति है तो अब उसमें तो क्या है, वो एक्शन में रहता है, इसमें तो वहीं विनाश कर दिया जाता है आपका। तो ये ज्यादा खतरनाक है तमोगुण। इसमें क्या है, आप आगे कुछ करने का प्लानिंग नहीं करते हो, या आपको प्लानिंग ही नहीं कर देगा तो वही मार देता है, खत्म कर देता है आपका एक्शन ही, खत्म डेड कर देता है, वही मार देता है, विनाशकारी इतना है तमोगुण। तो इसे तमोगुण जब बढ़ता है तो पहला चीज है कि अंधकार आ गया और आप के घर में ही आपको घुस कर ये विनाशकारी कार्य करने वाले अभी आएंगे, कौन कौन है बताता हूँ अभी। तो निष्क्रियता से तो कुछ होता नहीं है, निष्क्रिय हो गया इंसान, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करता है, अप्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाता है। और इसलिए आप ये डिफरेंस पता कर सकते हो दो व्यक्तियों में, तो आप कौन कितना एक्टिव है उससे आपको पता चल जाएगा। और तमोगुण में दूसरा जो लक्षण है, तो ये इनको ऐसे ट्रीट किया गया है, ऐसा मानिए कोई जैसे घर पे कोई आतंकवादी सा आ गया वैसा। और दूसरा लक्षण है, दूसरा तो हमने बता दिया अप्रवृत्ति, तीसरा है क्या, प्रमाद। प्रमाद आपके अंदर आ जाता है, प्रमाद दैट मीन्स यू बिकम केयरलेस, लापरवाही जैसा हो जाता है, आप को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखोगे रास्ते में बहुत कुछ लगा रहता है, बहुत कुछ बोर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे आप देखिए शराब की बॉटल में भी लिखा रहता है, सिगरेट में भी लिखा रहता है, सब जगह लिखा है लेकिन, और आप देखो रोड में भी बहुत साइन बोर्ड लिखे रहते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्लो चलाएं, आगे तीव्र मोड़ है, तीखा मोड़ है, और वो बिल्कुल तो कोई फर्क नहीं, प्रमाद में है, केयरलेस हो जाते हैं लोग। लिखा रहता है बड़ा बड़ा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे हम लोग चैंटिंग में होता है पलक ढकी दुर्घटना घटी, चैंटिंग करते करते अचानक भक्त तो इतना अंदर आ जाते हैं कि रस की प्राप्ति हो जाती है उनको। तो इस तरह से ये तमोगुण का स्वभाव है, वी डोंट केयर, केयरलेस हो जाते हैं, कहाँ गए वो भक्त है महाराज की, कहाँ है वो, कहाँ है भाई नंदू, कहाँ है भाई, सावधानी घटी हटी दुर्घटना घटी, उस दिन भाई गजब इसने कमाल दिखाया।
आंखें बंद हो गई इसकी भाई। उस दिन हमारे साथ बैठा था, चला रहा था गाड़ी, प्लग कितना, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए झपका था और बच गया, नहीं तो बिल्कुल पूरा फॉर्म में था उस दिन। तो ये इसलिए भैया सो के अच्छे से जाना चाहिए। तो ये हमें, तो ये तमोगुण का लक्षण है यहाँ, तमोगुण प्रमाद आ जाता है इसमें, और इसका उदाहरण भी दिया गया। बट केयरलेस हो जाते हैं लोग, जैसे हम ह्यूमन लाइफ मिला है, वी बिकम टोटली केयरलेस, बिल्कुल जड़ता है लाइफ में, पूरा अंधकार में जीवन जीना चाहते हैं हम। जैसे ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, इनको लगता है अंधकार में रहो तो बस प्रकाश लेके करोगे क्या, जरूरत नहीं है। जैसे वो एक कहानी हमने सुनी थी ना, वो कि कालू और क्या दो नाम थे ना उनके, कालू और ऐसे कुछ थे, चालू कालू तो ये दो बहुत खतरनाक आलसी लोग थे, घर में इनके आग लग गई है। हाँ, आग लग गई है तो चादर ओढ़ के सो रहे हैं, ठंडी है थोड़ा, सो रहे हैं बढ़िया से, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है, हीट आ रहा है, एक का मतलब चालू का आ रहा है मान लो, तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो वो उससे बोल रहा है, खुद नहीं पलट के देख रहा है, मतलब थोड़ा देखो कालू कुछ है क्या, कुछ आ रहा है कुछ हल्का हल्का, तो वो भी नहीं उठ रहा है, वो भी पलट नहीं रहा है, दोनों पलट नहीं रहे हैं। और हीट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतने आलसी हैं, बोले तुम देखो, बोले तुम देखो, कोई देखने का नाम नहीं ले रहा है। और धीरे धीरे बढ़ता गया उनका पूरा चादर वादर सब, हीट जलता जा रहा है, लेकिन तो उनको लग रहा है कुछ क्या हो रहा है, उनको हल्का सा ऐसे, इतना आलस है, तमोगुण भयानक। तमोगुण में इंसान देख नहीं पाता है कि उसके अंदर कि वो मौत उसके सामने है, तो ये इसके अंदर है। तो हम सब जब अंधकार में होते हैं तो हम इस संसार में रहते हैं और सोचते हैं कि संसार ही, संसार सब कुछ है, मेरा जीवन सब कुछ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब आप रज सत, जब आपको साधु मिलते हैं, जब आपको पता चलता है कि अरे जीवन तो कभी भी जा सकता है, किसी भी समय आपका जो सेंस, प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, सेंस ग्रेटिफैक्ट, सेंस ग्रेटिफिकेटरी बिजनेस, हम सब का बिजनेस चल रहा है, इंद्रिय तृप्ति का व्यवसाय हम सब कर रहे हैं। कैसे इंद्रिय तृप्ति मिले इसके लिए हम सब प्लान कर रहे हैं, ये सारा बिजनेस आपका ठप हो जाएगा, किसी भी दिन में ठप हो सकता है। और ये सिर्फ हम सोचते हैं अज्ञानतावश कि अरे बस चल, ये बिजनेस चलता रहेगा मेरा, ये भी एक बिजनेस काम नहीं आएगा तो दूसरा बिजनेस प्लान करेंगे, इससे इंद्रिय तृप्ति नहीं होगा, नया करेंगे, नया नया सोचते रहते हैं। इसे टीवी में सब विज्ञापन नया नया बिजनेस दिखाते रहते हैं, अब क्योंकि उनको पता है पुराना बिजनेस से आप बोर हो चुके हो, इसलिए वो नया एड लाते हैं मार्केट में। हाँ, नया नया कोई फिल्म स्टार लाएंगे, नया एड दिखाएंगे आपको, आप सोचो ये वाला बढ़िया है, इससे होगा मेरा बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है ना, उनको पता है सब ऐसे ही हालत खराब है सबकी, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है। जैसे नल कुंवर मणिग्रीवा का उदाहरण दिया गया था उस दिन, मैं संडे में बोला था, लोग इतने लापरवाह थे, इतने लापरवाह कि भाई आप कैलाश के पास हैं, लोग स्नान कर रहे हैं मंदाकिनी जो भी, और निर्लज मतलब नारद जी गुजर रहे हैं उधर से, तो ये लोग जो कर रहे हैं नशे में हैं, तो अब वस्त्र नहीं है शरीर में, अनारज बाकी सब तो अप्सराएं जो थी सब भाग गई हैं, लेकिन ये जो है एटलीस्ट दे हैव सम शेम, ये तो बिल्कुल निर्लज होके, बिल्कुल केयरलेस होके, बोले कौन है, केयर नहीं कर रहे हैं साधु का। तो जो है नारद जी को यही लगा कि इनका तो कुछ तो करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है,
जो डॉक्टर होता है जब देखता है कि अब इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, फिर बोला इसको ऑपरेशन ही कर दो, मतलब इंजेक्शन इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा इसका। हाँ, तो इसको डायरेक्ट अब हमें इसका चीरफाड़ करना पड़ेगा, तो और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे साधु होते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बुरी हालत है इसका, उसको क्या वहां पर नारद जी प्रवचन देते, उसको नारद प्रवचन सुनने की कंडे कगार में नहीं था। जो बहुत ज्यादा तमोगुण हो जाता है उसको आप क्या बोलोगे भाई। हाँ चलो अब हम गीता का पाठ करेंगे, उसको सुनाएंगे। हाँ कुछ जाएगा ही नहीं उसका। तो इस तरह से वो नारद जी ने उनको श्राप दिया, और श्राप दिया कि तुम पेड़ बन जाओ, तो पेड़ के शरीर में वो रहे तो उनके अंदर जो भावना है उनकी शुद्ध हुई, पनिशमेंट है ना, शुद्ध हुआ भावना, और धीरे धीरे पश्चाताप हुआ। लेकिन साधु है, भगवान से प्रार्थना किया, साधु ने कुछ बोला, तुमको भगवान स्वयं आएंगे, तो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। देख रहे हैं, तो पनिशमेंट नहीं था एक्चुअली, साधु का ऑपरेशन था। जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले उसके बाद, अरे बिल्कुल सही काम किया डॉक्टर ने, मैं ही चिल्ला रहा था तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है ऑपरेशन के समय। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, वह प्रसन्न है। तो ऐसे ही जब ये नल कुबर मणिग्रीवा भगवान कृष्णा वो उनको पूरा जाके पेड़ से योनि से बाहर किए, पूरा आनंदित होके भगवान का परिक्रमा कर रहे हैं, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य कि आपके एक शुद्ध भक्त ने हम सब पर कृपा करी थी एक दिन, और आज आपके प्रभु दर्शन हुए हैं। यही हम सब की भी स्थिति है। तो कुछ कुछ भक्त हैं उनको ऑपरेशन की जरूरत होती है। हाँ कुछ भक्त को इंजेक्शन से काम चल जाता है, कुछ को दवा से ही हो जाता है। हाँ ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा सा दवा तो अलग अलग हम सब स्तर में हैं। तो इसीलिए कभी ये नहीं देखना चाहिए, अरे प्रभु आप उसको सिर्फ दवा दे रहे हैं, मेरे को इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं। ऐसे कोई मरीज कंप्लेन करने लग जाए, बोले आप बड़े मतलब, जैसे एक हमारे हमें याद है, एक घर के पास हमारे एक मिस्टर एक डॉक्टर थे। कोई भी आता था वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, क्या करता है माता जी, पूरा उसको सीधे लिटा के उसको बॉटल चढ़ा देते थे ग्लूकोज सीधे, वो सबको पूरा बॉटल चढ़ा देते थे, कोई भी आए डॉक्टर थे एक बगल में, कोई भी आता था सीधे उनके मतलब सुबह से शुरू हो जाता था प्रोसेस, रात तक लोग लेटे ही रहते थे, इंजेक्शन पूरा बॉटल उनके चढ़ता रहता था। मतलब उनकी वो फर्क नहीं करते हैं, ताकि किसी को बुरा ना लगे कि मेरे साथ इतना कम दवा मेरे को। तो वो लोग जब भी आते थे, हमारे पिताजी का अपना क्लिनिक था, तो पिताजी के पास आते थे, मैं तो छुट्टियां होती थी तो मैं नीचे बैठ जाता था पिताजी के साथ, कि मैं भी इसलिए दवाओं को बहुत खाया है बचपन में, अपने से एक्सपेरिमेंट करके खूब खाया है, बहुत दवाएं खाई, एंटीबायोटिक्स कुछ भी हल्का सा हो जाता था अच्छी वाली दवा फायदेमंद करे, खूब एक्सपेरिमेंट किया। तो ये पिताजी के पास आते थे, बोलते पिताजी तो सिर्फ दवा देके, वो बहुत हार्डली मतलब रेयर 0.001% बॉटल चढ़ाते थे, दवा दे के सही करके भेज देते थे, इंजेक्शन ज्यादा से ज्यादा दवा। तो वो लोग आते थे बोलते थे बस इतने से हो जाएगा, वो नहीं देना है उसको बॉटल वॉटल नहीं, मतलब उनको विश्वास कम होता था कि अरे बढ़िया नहीं हो रहा है क्या। तो बोला तुम उसमें कुछ होता नहीं है एक्चुअली, उसमें वो इंजेक्शन डालते हैं वही होता है काम का चीज, जो उसमें इंजेक्शन डालते हैं बाकी तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो वो तो बोलते थे अलग से तुमको इंजेक्शन लगा देता हूँ, जाओ घर आराम से, घंटों 2-3 घंटे लेटने का क्या मतलब है। उसको लगता था अरे बहुत विकट बीमारी है, डॉक्टर साहब बचा लिया है। हाँ और वो फिर बढ़िया से पैसा वसूली होता था, आप लिटाए 3-4 घंटे डॉक्टर ने आपको, उसको कुछ करना नहीं, एक बार चढ़ा के इंजेक्शन देके चले गए, काम खत्म उनका। आपको लगेगा कितनी देर से है, दिन भर हो गया, बहुत बहुत तबीयत खराब है लग रहा है। इस तरह से बढ़िया से 2,000, 3,000, 4,000 जो मनाया, जिसको जेब जिसकी भारी उसे उसको लूट के चल दिया।
ऐसा होता था। तो यही, तो जब एक मरीज ज्यादा तमोगुण, एक तमोगुण में हो सकता है ज्यादा उसका, एक सतोगुण रजोगुण में एक थोड़ा सा मिक्सचर है, तो इसलिए मान लीजिए आपको कोई इलाज बताया गया, दूसरा जो तमोगुण में वो देखेगा तो बोलेगा अरे ये क्या, इनको आपने इतना ही सेवा दिया ऐसा ही दिया, आप मेरे को दूसरी सेवा क्यों दे रहे हैं, मुझे भी ये सेवा दीजिए ना, मैं भी प्रचार करूंगा। तो ये सब इस तरह से अगर आप कंपैरिजन करने लग जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज है आप, हम सबको सुधरना है, हमको सुधरने से मतलब है कि भाई हम सुधर जाएं, बीमारी ठीक हो जाए, हमारी जो 3 गुणों की बीमारी है उससे हम ठीक हो जाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमको कौन सी दवाई से, इंजेक्शन से, दवा से, या बॉटल चढ़ा दी, क्या चढ़ा उससे हो रहा है, नहीं, ये परवाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए वी शुड नॉट सी दिस, वो डॉक्टर को पता है क्या देना है, ठीक है। तो सिमिलर तरह का मेडिसिन नहीं होगा, भूल जाइए, ठीक है। हम सब का नेचर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से हम सब बने हुए हैं। दुनिया भर का प्रारब्ध है हमारा, जो तुम्हारा प्रारब्ध है और इनका प्रारब्ध है, कभी मैच नहीं करेगा, कभी नहीं मैच कर सकता है। हाँ, कोई 100 बार चींटी बना होगा, कोई 100 बार, हाँ 100 बार चूहा बना होगा, कुछ भर किसी कोई मैच नहीं है। अब बोलोगे अरे मैच हो गया, कोई मैच नहीं है भाई। हाँ, इतना वैरायटी है, इतना जन्म लिया है। हाँ, सबका अपना अपना कुकर्म है। हाँ, सबका अपना अपना हम लोगों ने किया है, जिसकी वजह से कितने जन्म अलग अलग तरीके की वैरायटी। हाँ क्यों माता जी, काले काले दिखाई तो नहीं दे रहे आजकल? हाँ, फिर भी हालत खराब है, पास में आ गई हैं फिर भी नहीं आया जाता है। हाँ? क्या नहीं, हाँ? बगल में है 100 मीटर और उससे भी नहीं आया जा रहा है, वो आ जाएंगे पता नहीं कितने, कितना योजन है उनका दूरी, सोचिए 300 300 दिन लगते हैं वहां से आने में, जाने तक मतलब ले जाने में, आने में तो टाइम जल्दी ज्यादा नहीं लगता है, जाने में जब लेके जाते हैं हम लोग और टाइम लगता है, लेकिन क्या करें 100 मीटर नहीं आया जाता है। सोचिए कितना हमारा दुर्दशा है, तमोगुण हमको कितना जकड़ा हुआ है, पता नहीं वो घर के कमरों में 4 दीवारी कितना क्या हमको भैया बांध के रखा हुआ है। अरे मंदिर आना चाहिए, दर्श भगवान का दर्शन करना जीवन और क्या है, लेकिन नहीं, हमको तो नहीं सुधरना है, हमें तो भगवान का भजन नहीं करना है, क्यों ऐसा है, कर लीजिए सुधर जाइए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो नहीं तो हमारा क्या है, फिर आते हैं आगे, मोह उत्पन्न हो गया, मन में मोह आ जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह की वजह से रूपा नहीं लिख रहे हैं, जहां प्रकाश नहीं होता ज्ञान अनुपस्थित, तमोगुण किसी नियम में बंद कर कार्य नहीं करता है, सनक के अनुसार कार्य करता है, कार्य करने की क्षमता है लेकिन कार्य नहीं करेगा। जैसे पतंगा होता है ना, पतंगा उसके अंदर तो हमारे आंख जो है उसको आंख से देखता है आग को, तो आग को देखता है तो उसको इतन, वो देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है, तो मोह रूपी जो टेररिस्ट है आतंकवादी, वो उसकी आंख के माध्यम से घुस जाता है, और ऐसा उसको लगता है कि उसको ये बता विश्वास दिलाता है इससे तुझे बहुत सुख मिलने वाला है। आग को तू जब स्पर्श करेगा बड़ा आनंद आएगा, तो मोह है ना, और वो जैसे लोग सोचता है शराब को स्पर्श करेगा तो बड़ा आनंद आएगा, ये यही है मोह, यही ये सब तमोगुण लोगों का जीवन शैली। तो ये उसको लगता है, तो मोह में वो सोचता है ये चीजें उसको सुख देंगी, और आप देखिए लोगों को हैंगओवर होता है, पड़े रहते हैं, तो नाली को चाट रहे हैं, नाली में पड़े हुए हैं, कहीं गटर में घुस गया, कोई कोई पिटाई हुई है बढ़िया धुलाई हुई है, घर वालों ने धुलाई की उसको, नशे में उसको होश नहीं है, सुबह उठा तो देख रहा है अरे इतने थप्पड़ पड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं, क्या हुआ किसने पीटा कुछ पता नहीं, ऐसे ही होता है इनका जीवन। आप देखोगे तमोगुण में ये लोग, आप ज्यादा से ज्यादा देखो जितने भी ये मजदूर वर्ग होता है, मोस्टली लेबर क्लास जो होता है इनका, आप देखो दिन भर में 500 रुपए 600 रुपए 1000 रुपए भी जितना भी रिक्शा वाला चलाने वाला, इतना मेहनत का काम है, पैसा
खींच खींच के खींच खींच के बनाएगा, और जितना भी उसके पास आ गया है घर कितना जाएगा, 10 रुपया 5 रुपया कितना जाता है पता नहीं, सब खा सब दारू पी के उड़ा के चले आएंगे, इनका ये जीवन है, ये इनका हालत है, पूरा तमोगुण में, भयानक तमोगुण में रहते हैं। तो पूरा संसार उजड़ जाता है ऐसे लोगों का। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये दोष हैं तमोगुण के यहाँ, और हमें इन सब आतंकवादियों से बचना है। जैसे भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, कुरु नंदन, अरे अर्जुन तुम तो कुरु नंदन हो, कुरु वंश को आनंद देने वाले हो, तुम तो इन अंधक तमोगुण से उत्पन्न इन दोषों को आसानी से खत्म कर सकते हो, तो वो भी अंधकार में आ गया था ना अर्जुन, तो भगवान बोल रहे हैं तुम इससे उठो, तुम कर सकते हो अर्जुन, क्योंकि तो अर्जुन गुणाकेश है, अंधकार में भी सब कुछ कर सकते हैं, गुणाकेश है वो, हाँ हाँ अंधकार में भी तीर निशाना मार सकते हैं, ऐसे थे अर्जुन, अंधेरे में भी तीर चला सकते हैं। ऐसे दशरथ थे, उनके पास शब्द भेदी बाण था, हाँ आवाज सुन लिया वहां बाण चला देंगे, जिसे श्रवण कुमार मारा गया था, शब्द भेदी बाण, शब्द सुनकर मारते हैं, डायरेक्शन अपने आप शब्द ढूंढ लेगा कहाँ से शब्द आए, हाँ इस तरह से ये हम सबको तमोगुण से हमें मुक्त होना है, शून्य करना है तमोगुण को, और नहीं तो आगे क्या होगा आप कल से सुनेंगे, हम लोग कल आएगा कौन 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 से लोग आपको जाना है, इस तमोगुण वाले कहाँ जाएंगे, रजोगुण वाले कहाँ जाएंगे, और सत्वगुण वाले कहाँ, अब भगवत भक्त कहाँ जाएंगे, कल हम देखेंगे सब चर्चा, कल से हम देखेंगे, ठीक है। तमोगुण की आप लोगों ने आज अनुभव ले लिया, प्रश्न क्या है पूछ सकते हैं फटाफट।